24वां दिन है जंतर मंतर पे जो हमारे पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए हैं अपनी विसंगतियों के मांग को लेके। और आज मैं विशेषकर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे ग्वालियर क्षेत्र से जो पूर्व सैनिक संगठन है उसके रिटायर्ड सूबेदार मेजर आप देख रहे हैं उसकी हालत। इसके बावजूद भी आप विश्वास करेंगे कि वही सैनिक हैं जो सीमा पर जैसे डटे थे आज इस उम्र में इस हालत में अपने पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर यहाँ दिल्ली पहुँचे हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, क्या वजह है पता नहीं। आज 24वां दिन है और आज तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा आया नहीं है कि पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियों के बारे में बात करें। एक तरफ सरकार नारा लगाती है जय जवान जय किसान, लेकिन देखते हैं तो सड़कों पर आज किसान भी नजर आता है और जवान भी नजर आता है, क्या कमी दिखाई दे रही है सरकार की नारे में? देखिए, सरकार का नारा अपनी जगह पर ठीक है, जय जवान जय किसान ये सरकार का नारा नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ नारा है। ये सरकार तो उसका कैश कर रही है उसको। और रही बात जवानों की, तो ये जवानों को क्यों नहीं कवर कर रहे, क्योंकि जवानों के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये तो हमारी वोट है, बदी हुई है, ये कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अब समय बदल चुका है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अब तक जिन लोगों ने हमारा हक लिया है वो उस्तादों के पढ़ाए हुए थे, लेकिन आज ये जो देख रहे हैं आप सैनिक, ये सब हालातों के पढ़े हुए हैं। अब ये हालातों से सीखे हैं और हालातों से सीखने के बाद आज अपने बल बूते पे यहाँ खड़े हुए हैं। आज इन्होंने ठान ली है कि अब हम अपना हक लेके रहेंगे और इसीलिए आज 24वां दिन है। और ये अनिश्चितकालीन जब तक सरकार नहीं आएगी पीछे हटेंगे नहीं। सरकार को ध्यान होना चाहिए, 100-200 नजर आ रहे हैं, ये गिनती 100-200 की नहीं है, इनके हजारों लाखों संपूर्ण भारत में उतना एक सरकार है, उतना वो जाग चुका है, उनको पता चल चुका है कि अब उनको खुद उठ के अपनी मांगे सरकार से मनवानी पड़ेगी। और इसीलिए अब ये सड़कों पर है, आप देखेंगे 3 अप्रैल को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जिले में पूर्व सैनिकों के धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, और वो अपने अपने डीएम को, अपने अपने सांसद को, अपने अपने विधायक को ज्ञापन देंगे। और उस दिन आपको पता चलेगा कि पूरे देश का सैनिक आज सड़कों पर क्यों है, तब आप क्या खुलेंगे। और याद रखे कि 2024 आने वाला है, उस दिन हम बता देंगे कि सरकार को कि हमारी शक्ति क्या है। जब ये जवान सैनिक अपना जीवन त्याग करने के लिए बॉर्डर से पीछे नहीं हटता तो अब अपनी मांग से भी पीछे हटने वाला नहीं। आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता सरकार किस जवाब पे झुकेगी या किस जवाब पे सुनेगी। सरकार को चाहिए वोट बैंक, और सैनिक कभी किसी का वोट बैंक नहीं रहा, सैनिक राजनीति से दूर रहता हमेशा। लेकिन अब सैनिक को पता चल चुका है कि जब तक वो अपनी वोट की कीमत नहीं मांगेगा तब तक उसकी मांग सुनने वाली नहीं है, हल होने वाले नहीं है। तो 2024 में हम भी बता देंगे सैनिकों की क्या पावर। सत्ता में आने के लिए सरकार वादे करती थी, आश्वासन दे रही थी, क्या पता आश्वासन देकर फिर से बाजी मार जाए। अब देखिए, विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम तो आज विश्वास के लिए भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमको तो विश्वास भी नहीं मिला। और जिस सरकार ने हमको विश्वास दिया उसमें हमारे ही अपने कुछ घोटाला करके चले गए, लेकिन अब हम किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे, अब हम जो संवाद करेंगे सरकार से खुद करेंगे। एक बार फिर से अपनी मांगों को सरकार को ध्यान में रखते हुए बताएं। हमारी बहुत छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा मांग नहीं है, सैनिक की कोई ज्यादा अभिलाषा नहीं है, समानता का अधिकार जो संविधान सबको देता है हमको वो समानता का अधिकार चाहिए। फिटमेंट फैक्टर सबके लिए एक समान होना चाहिए। जोखिम भत्ता पूर्व सैनिक जेसीओ जवान जो 97% जिनकी आबादी है और वो बॉर्डरों पर चारों तरफ सबसे ज्यादा जोखिम में रहता है, फिर भी वो अपनी ज्यादा की मांग नहीं कर रहा, समानता की मांग कर रहा है।
उसको भी एक समान MSP मिलनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी वीर नारी है उनको साधारण जो पेंशन मिलती है कम से कम वो पेंशन मिलनी चाहिए। एक साधारण पेंशन लेने वाला फौजी जब अपने घर में होता है उसके साथ वो कुछ कमाता भी है तब उसका घर चलता है, और जब वो इस दुनिया से चला गया उसके बाद उसकी वीर नारी को फैमिली पेंशन के रूप में जो 30% कर दी जाती है, एक तो कमाने वाला चला गया ऊपर से तुमने उसकी पेंशन भी कम कर दी, वो सैनिक जिसने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया उसकी कम से कम साधारण जो पेंशन होती है फौजी की वो उसको मिलनी चाहिए। हम कोई ज़्यादा मांग नहीं रख रहे, सिर्फ जिसे गुजारा हो वही मांग रख रहे हैं। दूसरी, ORP के अंदर ये ORP किस लिए लागू हुई थी, इसलिए लागू हुई थी कि जो जवान है कम उम्र में पेंशन आ जाता है ताकि उसका गुजारा हो, इसलिए ORP उनको मिलनी चाहिए। जो 57 साल 58 साल या 60 साल में पेंशन आते हैं उनके लिए थोड़ी ORP थी, ORP तो कम सर्विस वालों के लिए थी, लेकिन हुआ ORP का फायदा तो कोई और ही लेके चला जाता। आज ORP में देखेंगे कि एक वर्ग तो ऐसा है जिसको पुरानी पेंशन से भी कम पेंशन मिलती है। दूसरा, एक्स ग्रुप की हमारी एक मांग है जो 2016 से पहले वालों को और 2016 के बाद वालों को दो टुकड़ों में बांट दिया है, ये गलत है। 2016 से पहले वालों को भी 6500 रुपये जो एक्स ग्रुप पे रखी गई है उसी में उनको लाया। इस तरह की बहुत ही छोटी जायज संवैधानिक मांगे हैं, इनसे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन अभी तक आपने जहाँ भी ज्ञापन दिया है वहाँ से कोई रिजल्ट मिला अभी तक? अभी तक तो हमको नेशनल मीडिया, चाहे वो TV हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई कवर भी नहीं कर रहा। हाँ, पिछले दिनों से BBC न्यूज ने, द हिंदू, फ्रंट लाइन कवर करना शुरू किया है। और आखिर हमको कोई कवर करे तो करे क्यों, ये तो सोचने वाली बात है। हम किसी के लिए कोई मिर्च मसाला नहीं है, हमारी वजह से कोई TRP नहीं बढ़ने वाली, क्यों कवर करेंगे। ये वो सैनिक हैं जो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अनुशासन को नहीं तोड़ते, ये कोई उपद्रव नहीं करेंगे, कोई रोड पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान सैनिक संघ, जिंदाबाद।